भजन ने मेरी पहचान बनाई है। और दूसरी बात, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मैं जहां भी जाती हूं अपने पापा की याद में इस भजन को जरूर सुनाती हूं, क्योंकि माँ बाप की कीमत तो उनसे पूछो जिनके माता पिता नहीं होते। माँ बाप की कीमत उनसे मत पूछो जिनके माता पिता उनके सामने होते हैं। कहते हैं ना,
जिन बच्चों के सर से पिता का साया हट गया, जिन बच्चों के सर से पिता का साया हट गया, समझो उन बच्चों का सब कुछ घट गया, सब कुछ लुट गया। उन बच्चों का सब कुछ घट जाता है, सब कुछ लुट जाता है। तो मैं चाहूंगी आप सभी भक्तों ने इतने आनंद लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मीठी मीठी तालियां बजाई, मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा, आपने इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद दिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं चाहूंगी एक छोटा सा आशीर्वाद मेरे माता पिता के लिए, मेरे ही नहीं अपने अपने माता पिताओं के लिए जरूर आना चाहिए, सभी भक्तों की ओर से आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए ये भी बताऊंगी, लेकिन आइए उससे पहले ये प्यारा सा आशीर्वाद आया था ये प्यारी सी गुड़िया की तरफ से, माँ की लाडली बेटी और पापा की परी की तरफ से, और ये दूसरा आशीर्वाद हमारी भाभी की तरफ से। ये 20-20 रुपए का आशीर्वाद दिया है अपने माता पिता के लिए जिन्होंने। मैं चाहूंगी दोनों के लिए एक बार ताली बजाइए जोरदार, और दीदी आपका धन्यवाद जो कि आपने मेरे दिल की भावनाओं को समझा। अब मैं चाहूंगी एक छोटा सा आशीर्वाद सभी भक्तों की ओर से आना चाहिए, क्यों आना चाहिए ये भी बताऊंगी, लेकिन कोई भक्त ऐसा नहीं रह जाए जिसकी तरफ से माता पिता के लिए आशीर्वाद नहीं आए। क्यों आना चाहिए ये भी सुनिए। देखिए ना मेरी किसी जोर है ना जबरदस्ती है, वो जैसी आपकी इच्छा हो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन एक छोटा सा आशीर्वाद अपने माता पिता के लिए जरूर दीजिएगा। आई सुनिए क्यों दीजिएगा। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमें खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, 9 महीने अपनी कोख में रखा, सारी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, किसके लिए? हमारे लिए, हम बच्चों के लिए। जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी मेहनत में गुजार दी, उन माता पिताओं के लिए चंद पैसों का क्या मोल लगे, सही बात है। जिन्होंने ना खून देखा ना पसीना देखा, ना धूप देखी ना छांव देखी, सारी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, उन माता पिताओं के लिए एक छोटा सा आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। क्योंकि धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, बात अच्छे लगे तालियां बजाना। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर के औलाद पलती है, बात अच्छी लगी। आइए मैं चाहूंगी एक छोटा सा आशीर्वाद अपने माता पिता के लिए जरूर रहना चाहिए, कोई भक्त ऐसा नहीं रह जाए। आइए, नहीं कुछ बिना बाप के
दुनिया में चर्चा केवल माँ के नाम की होती है, इस दुनिया में चर्चा केवल माँ के नाम की होती है, पिता के नाम के होते हो कभी आपने सुना है? सुना भी होगा तो बहुत कम, माँ के नाम की ज्यादा होती है। जैसे कि बच्चों को जन्म किसने दिया? माँ ने। किसने पाला? माँ ने। किसने खिलाया? माँ ने। किसने पढ़ाया? माँ ने। कोई नहीं कहता पिता ने, लेकिन सुनिए बात सही है कि माँ बच्चों को जन्म देती है, पालती भी माँ है, लेकिन बात जब आती है बच्चों को खिलाने की तो सुनिएगा, अगर ये पिता घर में खाने को नहीं लाते तो ये माँ कहाँ से खिलाती? सही बात है। अगर ये पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में पैसे कमा करके नहीं लाती तो ये माँ कहाँ से पढ़ाती? तो किसके नाम की चर्चा होनी चाहिए? दोनों के नाम की, क्योंकि मेहनत और मजदूरी हमारे लिए दोनों ही करते हैं। माँ अगर घर में करती है तो पिता बाहर से करके लाते हैं, और पिता बाहर से करके लाते हैं तो माँ हमारे लिए घर में करती है, करते तो दोनों ही हैं। लेकिन फिर भी इस दुनिया में चर्चा केवल माँ के नाम की होती है, पिता के नाम की बहुत कम होती है। तो किसी लिखने वाले ने केवल पापा के लिए कितनी प्यारी बात लिखी है, आइए सुनिएगा। है दुनिया में चर्चित ममताई माँ की लक्ष्मणी बढ़ाई लिखी है पिता की, दुनिया में चर्चित ममताई माँ की लक्ष्मणी बढ़ाई लिखी है पिता की। हमारे आज के पार्टी ऑर्गेनाइजर भारत गुप्ता जी की ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं चाहूंगी एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस कलयुग के जमाने में ऐसे भाई भी होंगे जो कि एक हमारे पांव छूकर के आशीर्वाद लेकर के गए, दूसरा हमें 100 का नोट देकर के। क्योंकि मैंने इस कलयुग के जमाने में कंस भाइयों को तो बहुत देखा, इस कलयुग के जमाने में कंस भाइयों को तो बहुत देखा है, लेकिन इनके जैसे भाइयों को मैंने आज ही देखा है। एक बार ऐसे भाइयों के लिए भी तालियां बजाएंगे। नहीं कुछ बिना बाप के, है दुनिया में चर्चित ममताई माँ की लक्ष्मणी बढ़ाई लिखी है। पिता सी